क्लास फोर्थ में जीके में क्या पढ़ेंगे, हेल्दी टिप्स। फोर्थ क्लास में सभी बच्चे वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? कि एक वीडियो देखते हो उसके बाद में फिर उसको आगे वाला वीडियो नहीं देखते है ना, या फिर वीडियो देखते देखते आधा वीडियो देखते हो और आधा बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको कम्प्लीट पूरा वीडियो देखना है और रोज जो चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको घर पर भी रिवाइज करना है अच्छे से है ना, ताकि आप अगली क्लास में जब आएंगे, नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे है ना। ठीक है, तो और जीके सब्जेक्ट तो ऐसा है सभी को पसंद होता है जीके सब्जेक्ट है ना, इसमें आपका नॉलेज बढ़ता है। ठीक है, तो आपको ये देखना है वीडियो और जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं हिंदी इंग्लिश मैथ्स जो भी आपको मैम करवा रही है वो सब आपको रोज देखना है वो वीडियो। ठीक है, और आपका खुद का भी ध्यान रखना है आपको और पेरेंट्स आप भी अपना पेरेंट्स भी ध्यान रखें अपना और अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि इस बीमारी से आपको लड़ना है और आपको आगे बढ़ना है, इसीलिए आप सब सावधानी रखिए और अच्छे से रहिए घर पर। ठीक है, तो आज हम जीके में क्या पढ़ेंगे, हेल्दी टिप्स। क्या पढ़ेंगे अपन, हेल्थ टिप्स मतलब अपने स्वास्थ्य के बारे में कुछ जानकारी। सबसे पहले आप सीडब्ल्यू डालिए और उसके बाद ये चैप्टर का नेम लिखिए हेल्थ टिप्स, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें है ना, ये पढ़ेंगे आज अपन। तो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ, नींद जो है अपने अच्छे स्वास्थ्य की एक निशानी होती है, जितना ज्यादा अपन नींद लेते हैं उतना अच्छा अपना स्वास्थ्य होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि नींद लेना है तो अपन दिन भर ही सोते रहेंगे, दिन भर भी नहीं सोना है अपने को, उसका कुछ आर्स होती है, उसका कुछ टाइम होता है, उसी टाइम पर अपने को सोना होता है। बेबी स्लीप अलाउड अबाउट 40 to 50 आवर्स, जो छोटे बेबी रहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक सोते हैं, मतलब कितना 14 से 15 घंटे तक वो सोते हैं। ठीक है, उनके लिए उतना ही सोना अच्छा होता है। चिल्ड्रन बिटवीन 50 to 12 ईयर्स नीड ओनली आवर्स ऑफ स्लीप, जो छोटे बच्चे होते हैं मतलब 5 साल से लेकर 12 साल तक के बीच तक के जो बच्चे होते हैं वो कितने देर तक सोते हैं, 10 to 11 आवर्स, मतलब उनको 10 से 11 घंटे कम से कम उनको सोना चाहिए, मतलब उनको उतनी नींद लेना चाहिए। अगर उतनी नींद वो लेते हैं तो उनके स्वास्थ्य के लिए ये बहुत अच्छा होता है। ओके, तो सबसे पहले आप हम क्या लिखेंगे, एक एक करके मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगी, तो एक एक पॉइंट आपको उसके साथ ही लिखते भी जाएंगे। तो देखो आपकी कॉपी ऑल ऑफ यू, क्वेश्चन डालेंगे अपन फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें अपने को क्या करना है, मैं आपको लिखवाऊंगी और उसको अपने को फिल करना है। जैसे फर्स्ट नंबर में हमने आपको जो लिखवाया उसके बीच में क्या आएगा वो आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे अपन, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट नंबर से, स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ, मतलब नींद अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होती है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए नींद का होना बहुत जरूरी है। बेबीज स्लीप अलॉट अबाउट 40 to 50 hours, 40 to 50 hours, मतलब छोटे बेबी जो रहते हैं वो कम से कम 14 से 15 घंटे तक वो सोते हैं और उनका वो सोना अच्छा होता है, वो उनके अच्छे स्वास्थ्य की निशानी होती है। चिल्ड्रन बिटवीन 5 to 12 years
11 घंटे ही उनको सोना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज व्हेन यू फील हंग्री When you feel hungry, your stomach, जब आपको ऐसा लगता है, आपको भूख का एहसास होता है जब, तब आपका स्टमक क्या करता है? Rumbles, मतलब आपके स्टमक में से आवाज आने लग जाती है। कैसी आवाज आती है? Rumbles की, है ना? उसको आप बोल सकते हो, जैसे आप लोग बोलते हो कि पेट में भूख लगती है, तो क्या होता है, पेट में भूख भूख होने लग जाता है, उसको ऐसा बोलते हैं ना। तो यहाँ पर अपन इस वर्ड का यूज कर रहे हैं रंबल्स। रंबल्स की आवाज आने लग जाती है। क्या होता है? तो आपको जब भी ऐसा लगे कि आप हंग्री हो रहे हैं, तो आपको उस टाइम पर आपको खाना खाना जरूरी होता है ना। अगर अपन हंग्री होते हैं और खाना नहीं खाते हैं, तो क्या होता है, जो बड़े लोग रहते हैं उनके पेट में क्या हो जाती है, गैस बनने लग जाती है ना, एसिडिटी होने लग जाती है उनको। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। थ्री नंबर पॉइंट इज वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, मतलब हमें दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए। कितनी बार ब्रश करना चाहिए हमें दिन में? दो बार। एक बार मॉर्निंग में करना है हमें, और एक बार रात को करना है। जब हम सोते हैं उसके पहले अपने को ब्रश करना है, ठीक है ना। अगर अपन ब्रश नहीं करेंगे तो समटाइम्स पीसेस ऑफ फूड गेट्स स्टक इन आवर टीथ, मतलब क्या होता है, कभी कभी जब अपन खाना खाते हैं तो खाना खाते खाते क्या होता है, अपने दांत में खाना फंस जाता है ना। दीस अटैक जर्म्स विच फीड ऑन इट, और फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे खाना जर्म्स में परिवर्तित हो जाता है, मतलब धीरे धीरे दांतों में क्या होने लग जाते हैं, अपने कीड़े होने लग जाते हैं, और वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। बढ़ने के बाद क्या होता है, अपने टीथ में क्या होने लग जाता है, पैन होने लग जाता है। जो 10 साल के बच्चे होते हैं वो कितनी बार सांस लेते हैं पर मिनट? 17 to 23, मतलब 17 से 23 तक में वो सांस लेते हैं पर मिनट, है ना। चलिए आप अपना 4 नंबर आएगा इसके बाद, तो ये वाला आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसको इरेज कर देती हूँ। नंबर
कर सकते हैं आप। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।